सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल, इसके इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया। रीड दिस क्वेश्चन, सेलेक्ट द वैलिड एक्सप्रेशन फॉर गिवन डिक्लेरेशन। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिक्लेरेशन क्या है इसके इसमें, इसके साथ टू प्रिमिटिव वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं ए और बी, एंड टू पॉइंटर वेरिएबल्स पी एंड क्यू। पी और क्यू को टाइप किया करंटली पॉइंटर। वन बाई वन फाइंड आउट करें, फर्स्ट एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के केसेस में जस्ट अप्लाई क्या किया, पी माइनस क्यू। पी क्या है इस केस में, एड्रेस। क्यू क्या है, ऑल्सो एड्रेस। जब एड्रेस को एड्रेस से सब्ट्रैक्ट करो, ये ऑपरेशन कैसा है, वैलिड ऑपरेशन। लेकिन इसका रिजल्ट को किस फॉर्म में आएगा, एड्रेस के फॉर्म में, सिंपली इंटीजर्स के फॉर्म में, सिंपली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को आप कंसिडर करोगे एज अ इंटीजर। आपको ऑलरेडी पता है इंटीजर नंबर डायरेक्टली किसी पॉइंटर में असाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में डायरेक्टली असाइन होगा। पहले असाइनमेंट परफॉर्म होगा, पहले टाइप कास्टिंग। इस टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग जस्ट गिवन इंटीजर नंबर कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ एड्रेस। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका डिफरेंस 100 आया है, 1 आया है, 10 आया है, मीन्स 100 भी तो कोई ना कोई ऐसा लोकेशन होगा जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया सम मेमोरी एड्रेसेस। इसलिए किसी भी इंटीजर नंबर को एड्रेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल, इसलिए ऑपरेशन के साथ दिस इज वैलिड ऑपरेशन। सेम एज बी ऑप्शन चेक करें, इसके साथ बी के रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्शन टोटल टू टाइम्स परफॉर्म। जब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करके सॉल्व करोगे, देन फर्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ऑपरेशन क्या है, पी क्या है इसके इसमें पॉइंटर, क्यू क्या है पॉइंटर। तो सबसे पहले परफॉर्म क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, प्लस इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, जब भी टू पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। मीन्स सब्ट्रैक्शन कैसा है, वैलिड ऑपरेशन। इसके जस्ट बाद इस इंटीजर नंबर से अगेन सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, ए, और ए क्या है अगेन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। इंटीजर को इंटीजर से भी सब्ट्रैक्ट कराना पॉसिबल, इसलिए दोनों ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे हैं, वैलिड। लेकिन फाइनली इस केस में जब इस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट आएगा इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अगेन रिजल्ट किस फॉर्म में होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, और इसे इंटीजर नंबर को पॉइंटर में डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज इनवैलिड ऑपरेशन। रिज क्या हुआ इस केस में, जस्ट सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन और मे बी नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्जन। देन ऑप्शन सी, सी के केस में जस्ट डायरेक्टली परफॉर्म कराया पॉइंटर के साथ मल्टीप्लीकेशन। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था पॉइंटर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना पॉसिबल नहीं। देन नेक्स्ट वन पी प्लस ए, पी का टाइप क्या है, जस्ट एड्रेस और पॉइंटर। पॉइंटर्स के साथ जब भी ए, ए का टाइप क्या है इंटीजर। पॉइंटर और इंटीजर के रिस्पेक्ट में एडिशन कैसा है, वैलिड। लेकिन इसका रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस। और एड्रेस को अगर ये एड्रेस आसान किस में हो रहा है, पी में। पी का टाइप क्या है पॉइंटर, इस एड्रेस को पॉइंटर के अंदर स्टोर कराना पॉसिबल, देयरफॉर इट इज वैलिड ऑपरेशन। डी ऑप्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, पी प्लस क्यू, पी क्या है पॉइंटर, क्यू भी क्या है पॉइंटर, टू एड्रेसेस को एड करना पॉसिबल। फाइनली इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए एंड डी।